स्वागत और अभिनंदन आप सभी जोरदार ताड़ियों के साथ में चंद्रप्रकाश जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और तमाम नौजवान साथियों से और बुजुर्गों से निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा आगे सरकते रहे, हैंड होंग नहीं बलाए, थोड़ा थोड़ा धक्के हरकता रहो और आगे जगह जगह पीछे। अभी तक तो मेला बहुत ज्यादा पीछे है, लोग सारे अभी तक सड़कों पे है, गाड़ियों के काफिले अभी तक नहीं पहुंचे है, अभी तक तो सिर्फ पाटो दी और बाइकों के लोग आए, गिड़ा बाटाड़ू के लोग बाकी है। आपसे निवेदन रहेगा कि आप थोड़े थोड़े आगे सरकते रहे और एक दूसरे के नजदीक बैठते रहे। बैठक व्यवस्था है वो 20,000 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा 20,000 लोग अभी तक बाहर खड़े है। आप सबसे निवेदन को देखते हुए अब लग रहा है कि हमारी उम्मीदों पर उम्मीदवार राम जी खरे उतरेंगे और इस बार हमारा प्रतिनिधित्व पक्के तौर पे जाकर के विधानसभा में करेंगे। यह हमें आपका समर्थन और विश्वास दिखा रहा है, सामने भी लाते रहे। सिंह क्षेत्र से मोखा के प्रधान प्रतिनिधि चंद्रप्रकाश जानी, जिनको युवा साथियों ने कंधे पर उठा लिया है, हमारे बीच में तशरीफ ला रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, जोरदार तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। चंद्रप्रकाश जी जानी सिर्फ से बहुत ही मजबूत रखे मेहमानों के आड़े के लिए। वॉलंटियर्स तमाम साथियों से निवेदन रहेगा कि जो वॉलंटियर्स है, कार्यकर्ता बंधु है, वो व्यवस्थाओं में सहयोग करें और सुव्यवस्थित ढंग से आगे की जो हम सब के आदर्श श्री दायम खान जी पूर्व साहब से आप पधारे और इस विशाल जलसे को अपने मुखारविंद से संबोधित करें। दायम खान जी गिड़ा, जोरदार तालियों के साथ में दायम खान जी का स्वागत और अभिनंदन। गोमाराम जी गोदारा खरंडिया 30 गाड़ियों के काफिले के साथ पधारे हैं, आपके साथ पधारी पूरी टीम को रालोपा की ओर से बहुत बहुत बधाई। हेलो हेलो हेलो, भाई तू की पावन धरापा आते की गहराइयों से सभी सोमेश्वरी लोगों का आते की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज की जो रैली है ये रैली नहीं है, रेला है और उम्मीद हम जीत का ठेका है कि भाई की विधानसभा के अंदर मजबूत दूरी के लिए आप लोग जिला बना रहे हैं। बना नहीं जाता भाव से हमारे इस प्रांत के अंदर कंधे से कंधा मिला करके मेरी मेहनत कर रहे हैं ताकि उम्मीदों के मुंह दिलों की राजस्थान के अंदर किसानों का हमेशा किसानों के लिए बोलती कि सरकार में किसानों के लिए कुछ करती हूँ और किसानों को इस प्रकार दबाया कि कर्ज के बोझ के अंदर धकेल दिया। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा जैसलमेर के अंदर